Hey friends, myself CA Fenil Shah, a faculty at Navkar Institute, India's first learning program for professional coaching, welcomes you to the next act, that is Arbitration and Conciliation Act. Friends, Arbitration and Conciliation Act ki jo duniya hai, aur ye act jo hum padhne ja rahe hain. Friends, aksar means aap agar purane syllabus ko aur naye syllabus ko compare karo. So this is the act which was not there in the old syllabus, the old scheme of ACCA, but newly introduced in the new scheme of ACCA. Yani ki naye course ke andar ye pehli baar introduce kiya gaya hai. Friends, kafi sare bachcho ke saath suna ki unko ye act ko samajhne mein bahut takleef pad rahi hai. They face so much of difficulties. They think that this is one of the toughest tech, but I assure you that this journey of this Arbitration and Conciliation Act is going to be very simple, very clear cut, very interesting, very elaborative, and absolutely jab aap koi bhi cheez ko ye char angle se padhte ho to wo cheez aapke liye bahut easy ho jati hai, and jab koi cheez easy hoti hai to wo hamesha aapke liye scoring rehti hai. To friends, hum is act ko un har ek pehlu ke aur se dekhenge जिससे हम इस एक्ट को समझना चाहते हैं. फ्रेंड्स, इस एक्ट को समझना थोड़ा डिफिकल्ट कुछ प्रकार के लोगों के लिए इसलिए होता है कि दे डायरेक्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, बट एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द एक्ट और व्हाट इज द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड द एक्ट, एंड देन यू शुड मूव टुवर्ड्स द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस एक्ट के ऊपर तो आप जानते ही हो कि हम हमेशा हमारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्ट को कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. हालांकि ये एक्ट एक्चुअली चार पार्ट्स में ब्रेक है. एक्ट एक्चुअली चार पार्ट्स में ब्रेक है, पर हम उसको कुछ इस तरीके से हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए पांच पार्ट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होगा द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना, काफी सारे लोगों को ये एक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है. बस इसी के अंदर ये एक बार हम डिस्कस करें, उसके बाद आपको ये पूरी जर्नी एकदम सिंप्लीफाइड लगेगी. दूसरा पार्ट जो हम देखने वाले, दैट इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. इससे आपकी जर्नी जो आर्बिट्रेशन की और सिंप्लीफाइड हो जाएगी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज एंड द क्रक्स, द हार्ट, द सोल, आत्मा जो है पूरे कॉन्सेप्ट की, दैट इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. द थर्ड इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि आर्बिट्रेशन एक क्रिया है और उस क्रिया के कर्ता यानी कि द पर्सन हु डज द आर्बिट्रेशन इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. फिर चौथे पार्ट की ओर अगर हम आगे बढ़े तो इट इज आर्बिट्रेशन अवार्ड. आर्बिट्रेशन का जो अंजाम है, आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है, आर्बिट्रेशन प्रोसेस का जो आउटकम है, दैट इज आर्बिट्रेशन अवार्ड. एंड फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आर्बिट्रेशन अवार्ड के साथ साथ देयर इज समथिंग दैट इज कंसीलिएशन. मीन्स आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, मैं आपके साथ इस चीज के ऊपर आगे के स्लाइड में डिस्कशन करता हूं. नाउ फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव और बिफोर वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग दैट ऑलवेज अंडरस्टैंड वी हैव टू थिंग्स. मीन्स वेन एवर अ डिस्प्यूट राइजेस, हमेशा दो चीजें हो सकती है. One is litigation, another is alternate dispute resolution mechanism. क्या हो सकता है? One is litigation, another is alternate dispute resolution mechanism. Friends, इसके ऊपर जाए उसके पहले आइए समझते हैं ये पूरा सिलसिला कैसे जाता है. Let us take one example that girls have sold goods to boys. गर्ल्स ने बॉयज को गुड्स बेचे, फिर बॉयज ने जब उन गुड्स को यूज करना शुरू किया तो बॉयज रियलाइज्ड दैट दिस गुड्स आर डिफेक्टिव ऑन सर्टेन पॉइंट्स. बॉयज ने गर्ल्स को शिकायत की,
कंप्लेन की. गर्ल्स ने उस शिकायत को एक्सेप्ट किया और उस शिकायत को रिड्रेस किया, यानी कि सॉल्व किया. मामला वहीं पे कंप्लीट हो गया. तो आर्बिट्रेशन कब काम में आता है, लिटिगेशन कब काम में आता है, तो आप समझिए ये सब तब आता है जब डिस्प्यूट होता है. ये सब कब आता है, जब डिस्प्यूट होता है. यहां पे तो डिस्प्यूट हुआ ही नहीं था, तो आइए एक डिस्प्यूटिंग सिचुएशन को क्रिएट करते हैं. गर्ल्स ने बॉयज को गुड्स बेचे, बॉयज को वो गुड्स डिफेक्टिव लगे, बॉयज ने गर्ल्स को कंप्लेन की, गर्ल्स ने उस कंप्लेन को डिनाय कर दिया, उस कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया, एज यूजुअल अपनी गलती मानने से मना कर दिया. दे डिनाइड दैट देयर इज डिफेक्ट इन गुड्स. सो बॉयज सेज गुड्स आर डिफेक्टिव, गर्ल्स सेज गुड्स आर नॉट डिफेक्टिव, एंड देयर इज द पॉइंट वेयर द डिस्प्यूट अराइजेस. दिस इज द पॉइंट वेयर द डिस्प्यूट arises, and now there is a need to have a solution to this dispute. अब इस dispute को solve करने की आवश्यकता है. प्रश्न ये है अब कि ये dispute को हम कैसे solve करें. The question is how we solve this particular dispute. Then friends, there are two ways to solve this particular dispute. The very first is the litigation वाला portion. एक नजर डालते हैं कि अगर litigation हो तो क्या क्या होता है. यानी कि मान लो कि boys girls के ऊपर case कर दे, boys versus girls, boys plaintiff, girls defendant, boys applicant, girls respondent, boys you can say appellant, girls respondent. ये मामला court में जाता है, tribunal में जाता है, कोई भी जगह पे जाता है, और litigation हो तो क्या होगा. तो एक नजर डालते हैं फ्रेंड्स. जगह ऑब्वियसली या तो कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल होगी. डिसिसिव अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जज होगा. ट्रिब्यूनल होगा तो देयर विल बी बेंच, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. प्रोसीजर प्री डिफाइंड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सो काफी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर को फॉलो करना होगा. फ्रेंड्स अगर आप प्रोसीडिंग्स के ऊपर ध्यान दो तो दे आर पब्लिक, मीन्स कोई भी चाहे तो उस कानूनी कार्यवाही को जाके देख सकता है. जो आउटकम आएगा दैट विल बी ऑर्डर. जो आउटकम आया उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उससे अगर आप अग्रीव्ड हो, कोई भी पार्टी अग्रीव्ड हो, तो दे कैन डू अपील. यस इट्स अपीलेबल. एनफोर्सिबिलिटी डोमेस्टिक है. डोमेस्टिक माने अगर यहां का किसी ऑर्डर को अगर आपको फॉरेन में इंप्लीमेंट करना हो तो यू नीड द सपोर्ट ऑफ दैट फॉरेन कोर्ट. इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. जब आप लिटिगेशन करते हो तो आपका दिमागी स्तर कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, आप कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट करना चाहते हो और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो. प्लस फ्रेंड्स अगर आप हार्डशिप की बात करो तो लिटिगेशंस में बहुत ही हार्डशिप पड़ती है और ये मान सम्मान को हानि पहुंचाए ऐसी चीज है. यानी कि लिटिगेशंस आर डिफेमेटरी. इतने स्तर तक डिफेमेटरी होता है कि अगर मैं किसी के ऊपर केस करता हूं, अरे मैं सही हूं, मैं न्याय मांग रहा हूं, गलत सामने वाले ने किया है, पर इज्जत दोनों की जाती है. बिकॉज लोग नहीं समझते कि किसने किसके ऊपर केस किया है, इसके ऊपर तो केस चल रहा है. राइट. एंड कानून तो जजमेंट बाद में देता है, लोग पहले से ही जजमेंट बना लेते हैं. सो फ्रेंड्स व्हाट आई मीन टू जस्टिफाई इज व्हेनेवर यू एंटर इनटू लिटिगेशन एज इट इज पब्लिक, it involves lots and lots of hardship and it is defamatory for both the parties almost. Kya aapko court mein jana ho to koi mutual purva nirdharit agreement ki avashyakta hoti hai? Nahi hoti. Procedure kya hota hai? Ekdam objective. Objective and subjective. Objective yani predefined, subjective yani jo baar baar badal sakta hai. To court ki karyawahi ekdam objective hai, predefined hai, kanuni tarike se jati hai. हाँ, facts and circumstances, हालात और सबूत बेशक सब्जेक्टिव होते हैं, केस टू केस बदलते रहते हैं. क्या एक जजमेंट दूसरे जजमेंट के काम में आ सकता है? Absolutely yes, that is reference to other matters and cost. Friends, मुझे आप, I don't think so, मुझे आपको बताने की जरूरत है, पर जब आप litigation में इन्वॉल्व होते हो तो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम कंज्यूमिंग तो है ही.
and litigation, कोई भी मैटर का हो, you can always go for litigations. कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. This is one way of having a solution to the dispute. अब फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है. मींस अगर बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में झगड़ा हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, इज देयर एनी अदर सॉल्यूशन और इज देयर एनी अदर वे टू ब्रिंग सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. द आंसर इज येस. And that other way, that alternative way of resolving a dispute is known as alternate dispute resolution mechanism, जिसे हम शॉर्ट में एब्रीविएट करते हैं as ADR. वैसे फ्रेंड्स, हमारी पढ़ाई की जो जर्नी है उसमें ADR एक बार और पहले आ चुका है, जिसमें हम पढ़ते थे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. But friends, yes, remember, this ADR and that ADR is different. That was American Depository Receipt and this is Alternative Dispute Resolution Mechanisms. So friends, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे चैप्टर के दरमियान जब भी मैं ADR शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करता हूँ, कृपया आप उसे American Depository Receipt नहीं, पर उसे Alternate Dispute Resolution के तौर पे समझेंगे, ऐसी मेरी आशा है. When you go to this, so हमने अब तक क्या देखा? एक रास्ता है कंज्यूमर डिस्प्यूट का लिटिगेशन, दूसरा रास्ता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. ये जो दूसरा रास्ता है उसमें एक आता है नेगोशिएशन, उसमें दूसरा आता है मीडिएशन, तीसरा आता है आर्बिट्रेशन एंड चौथा आता है कंसीलिएशन. ये चार चीजें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में काफी बार यूज होती है. एंड उसमें से भी सबसे, ये चारों में से कौन से चार? राइट कौन से चार? देन यू कैन से फर्स्ट नेगोशिएशन, सेकेंड मीडिएशन, थर्ड आर्बिट्रेशन, फोर कंसीलिएशन. ये चारों चार जो है, ये चारों चार जो है, उसमें से सबसे ज्यादा बार यूज किया गया अगर कोई ADR हो तो वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन. एंड फ्रेंड्स, इसी कारण ये दो चीज को नियंत्रित करने के लिए, ये दो चीज को रेगुलेट करने के लिए एक प्रावधान लाया गया, एक कानून लाया गया, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट द टॉपिक टू डिस्कस टुडे, एंड दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, विच इज मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स, विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स, नॉट द फाइव पार्ट्स विच वी मेड, बट एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स. एंड फ्रेंड्स, मैं इस समय पे आपके समक्ष ये भी कहना चाहूंगा कि द एक्ट वॉज कंसीव्ड इन 1996, बट इन 2015 एन अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट, एंड सो नाउ वी कैन से दैट एन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015. एंड अमेंडमेंट लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारा जो पुराना एक्ट था 1996 वाला, जो आज भी है, उसकी एक ड्रॉबैक था, उसकी एक लिमिटेशन थी कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस को एड्रेस नहीं करता था. एंड आप फ्रेंड्स जानते हो, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द फ्रंटियर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नाउ बिकमिंग मोर इंटरनेशनल. यानी कि वैश्वीकरण के कारण number of international transactions are increased, and so we need to have some kind of mechanism or our existing ADR also to protect the contracts which are international in nature, in order to have the other international party to have faith in the Indian commercial transactions. And that was the prerequisite, there was a need of time, and that's the reason
Arbitration and Conciliation Act 2015 was brought into picture, which covered international commercial arbitration too. And so, hum kya karenge friends? Hum pehle jo in aap keh sakte ho jo Arbitration and Conciliation Act hai usse samjhenge. And uske end mein main aapke saath jo ye Amendment Act 2015 ke madhyam se jo naye provisions ko introduce kiya gaya hai uski bhi ek rooprekha dunga. Almost major jo transactions hai ya jo amendments hai wo tum cover up kar hi lege, aur saath saath jo additional hai wo bhi main aapko bata dunga. Par wo 2015 ke specific discussion ko hum is chapter ke end mein rakhte hain. So friends, now let us start with this basic understanding. The concept of arbitration first, then we will go to conciliation, and then we'll discuss the amendments with respect to the same. So friends, arbitration ki shuruaat karte hain, aur main aapko arbitration ka ek basic concept samjhane ja raha hu. Main aapko arbitration kaise samjhaunga, then aap keh sakte ho hum arbitration aise samjhenge, hum compare karenge kiske sath, use litigation ke sath. फ्रेंड्स, किसी ने बहुत सही कहा है कि कभी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज़ जब कोई इंसान एक दूसरे इंसान के साथ अपनी कंपैरिजन करता है तो वो कंफ्यूज होता है. बट फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं दैट व्हेन वन पर्सन कंपेयर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद अनदर पर्सन, ही गेट्स कंफ्यूज्ड. बट फ्रेंड्स, बट व्हेन अ प्रोविजन इज कंपेयर्ड विद अनदर प्रोविजन, when one logic is compared with another logic, it brings clarity. So friends, ek important cheez yaad rakhne layak ye hai ki jab aap ek insaan ko insaan ke sath compare karte ho to confusion hota hai, par jab aap ek provision ko ek provision ke sath compare karte ho to clarity aati hai. And that's the reason friends we will understand the alternate dispute resolution. We are going to understand arbitration by comparing the same with litigation. So friends, aap screen ke upar dekh sakte ho, हमने पहले जो प्रोविजंस यहां पे पढ़े वो सारे लिटिगेशंस के रिलेटेड है, मैंने आपको आगे बताया. अब मैंने उसी के सामने आर्बिट्रेशन में क्या होगा वो भी मैंने लिखा है. फ्रेंड्स, आगे बढ़े उसके पहले मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, वी आर ऑन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट. एंड मैं जितनी भी चीज आपको पढ़ाता हूं उसमें हमेशा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में सर सिर्फ एक रूपरेखा दे रहे हैं. वी आर जस्ट हैविंग अ बर्ड्स आई व्यू. बाकी एक एक चीज जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर बाद में डिटेल डिस्कशन होने ही वाला है. सो व्हाट्स द इंटेंशन बिहाइंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स? देन इट इज टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द होल एक्ट. व्हेन यू गेट एट द वेरी फर्स्ट स्टेज यू हैव अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है. सो फ्रेंड्स, आइए जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिगेशन एंड नाउ फ्रॉम एडीआर वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्टेड दैट इज आर्बिट्रेशन. तो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि दो लोग झगड़े और वो दोनों कोर्ट में जाए और फिर जज को ऐसा कहे, जज हम सैटरडे को फ्री है तो सैटरडे को हम कानूनी कार्यवाही रखते हैं. हैव यू एवर हर्ड दैट? नो. हैव यू एवर हर्ड दैट यू टू पार्टीज, टू डिस्प्यूटिंग पार्टीज गो समवेयर एंड दे सेज दैट आर मैटर और आर जज विल बी दिस पर्सन? हैव यू एवर हर्ड दैट? नो. बट फ्रेंड्स, दिस कैन बी देयर. आप बोलते सर ऐसा थोड़ी हो सकता है. फ्रेंड्स, मैं लिटिगेशन की बात नहीं कर रहा, मैं अब बात कर रहा हूं आर्बिट्रेशन की. आर्बिट्रेशन में ये सब पॉसिबल, बिकॉज सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके पास कहना चाहता हूं वो है फ्लेक्सिबिलिटी. आर्बिट्रेशन में सब कुछ फ्लेक्सिबल है, यानी कि जो दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में वो दोनों एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट करते हैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कि अगर आने वाले भविष्य में डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे और इस तरीके से हम यहां पे आर्बिट्रेशन का सॉल्यूशन लाएंगे, ये हमारा
आर्बिट्रार होगा, इस तरीके से कानूनी कार्यवाही चलेगी, इस तरीके से जजमेंट आना चाहिए. एवरीथिंग मे बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल कंसेंट बाय बोथ द पार्टीज एंड इट विल बी जॉटेड डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर एंड दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. दैट विल बी अ फ्लेक्सिबल प्रोसेस फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट्स वेयर द फर्स्ट डिफरेंस कम्स इन टू पिक्चर इज आर्बिट्रेशन इज प्योरली फ्लेक्सिबल compared to the stringent, stricter, predefined procedures of litigation. दूसरा, जगह कौन सी होगी? तो जगह दोनों parties ने मिलजुल के जो decide की होगी, वो होगी. जज कौन होगा? जज यानी decisive decision कौन लेगा? तो arbitral tribunal लेगा. अब एक मिनट देखते हैं, arbitral tribunal, arbitrar एक भी हो सकता है और arbitrar अनेक भी हो सकते हैं. कितने arbitrar रखना? Parties will decide. पर एक आर्बिट्रार हो या अनेक आर्बिट्रार हो, लॉ में इसके लिए वर्ड यूज किया गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ए टी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ए टी. बट फ्रेंड्स, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि एक आर्बिट्रार हो तो आर्बिट्रार, एंड एक से ज्यादा आर्बिट्रार हो तो वी शुड यूज द वर्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. बट विल गो विद द लॉ इटसेल्फ. दूसरा फ्रेंड्स, जब भी कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होती है तो वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है. मीन्स इट इज नॉट मेड पब्लिक एज लिटिगेशंस आर मेड. सो द अनदर डिफरेंस इज दैट प्रोसीडिंग्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल. द थर्ड इज, जैसे लिटिगेशन का जो आउटकम आता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं, वैसे आर्बिट्रेशन का जो आउटकम आता है उसे हम अवार्ड कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? अवार्ड कहते हैं. सो फ्रेंड्स, पहला टेक्निकल टर्म क्या है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. दूसरा टेक्निकल टर्म जो आया, दैट इज आर्बिट्रल अवार्ड. प्लस फ्रेंड्स, अगर आर्बिट्रेशन का डिसीजन आया, हम उसे डिसीजन नहीं कहेंगे, अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया, ऑर्डर आया, हम उसे ऑर्डर भी नहीं कहेंगे. हाँ, कहने में एक ही है, पर हम कहेंगे आर्बिट्रेशन अवार्ड. तो अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया तो क्या, अगर कोई पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है तो क्या कोई पार्टी उस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है? तो मैं ऐसा कहूंगा, रेयरली जा सकती है, या बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स में कोई पार्टी उस अवार्ड को चैलेंज कर सकता है, जिसको हम बाद में देखते हैं. सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है फ्रेंड्स, एंड ये देन है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 की, कि अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड आया, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है, उसको आपको एनफोर्स करना है, तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी डोमेस्टिक भी है और उसकी एनफोर्सेबिलिटी ग्लोबल, वैश्विक स्तर पे भी आप उसको इंप्लीमेंट इजीली कर पाओगे. और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज आती है तो उनको कॉन्फ्लिक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. दे वॉन्ट सेटलमेंट, दे डोंट वॉन्ट टू गो फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, दे वॉन्ट टू गो फॉर सॉल्यूशन. उनको कोई भी चीज का क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए. बाकी फ्रेंड्स, लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन में जैसे कानूनी कार्यवाही चलती है उसी तरीके से यहां पे भी सब चलता है, पर दिस इज मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू व्हाट? लिटिगेशन. प्लस फ्रेंड्स, डिफेमेटरी एंड हार्डशिप की बात करें तो आर्बिट्रेशन में उतनी ज्यादा हार्डशिप नहीं होती, बिकॉज प्रोसीजर इज फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज लेसर. डिफेमेटरी बहुत ही कम होता है बिकॉज ये पब्लिक नहीं किया जाता. पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हो, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज मस्ट. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए, विदाउट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन इज नॉट पॉसिबल. विदाउट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आर्बिट्रेशन इज नॉट पॉसिबल. सो फ्रेंड्स, हमारे अब तक के जर्नी में तीन काफी टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स आए जो आपको ध्यान में रखने होंगे फ्रॉम दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, दोनों पार्टी सब डिसाइड करती है, तो दोनों पार्टी सब डिसाइड करके कहां रखती है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में. दूसरा है, आर्बिट्रेशन करता कौन है? जज नहीं होता, जज जैसा एक इंसान होता है या अनेक इंसान होता है, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. एंड इसका जो आउटकम आता है उसे हम ऑर्डर नहीं कहते, उसे हम डिसीजन नहीं कहते, उसे हम जजमेंट नहीं कहते, पर उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड. सो अग्रीमेंट, ट्रिब्यूनल एंड अवार्ड, ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी. एंड फ्रेंड्स, अंत में अगर हम देखें तो इसकी प्रोसीजर सब्जेक्टिव है, यानी आर्बिट्रेशन टू आर्बिट्रेशन इसकी प्रोसीजर बदलती रहेगी.
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होने ही वाले हैं. अब क्योंकि प्रोसीजर भी सब्जेक्टिव है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी सब्जेक्टिव है, नॉर्मली एक आर्बिट्रेशन अवार्ड दूसरे आर्बिट्रेशन अवार्ड के रेफरेंस में यूज नहीं किया जाता. एंड अगर आप कॉस्ट एंड टाइम की बात देखो तो कंपेयर टू लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन के अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो कम होता है, उतना कॉस्ट इन्वॉल्व होता नहीं है. एंड लास्ट थिंग अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग के लिए तो वो ये है कि कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट हो आप उसके ऊपर लिटिगेशन कर सकते हो, पर सारे मैटर्स को आप आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते. सारे मैटर को आप आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते मींस मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जाना हो तो वो आर्बिट्रेबल होना चाहिए. मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जाना हो तो वो आर्बिट्रेबल होना चाहिए, यानी कि वो आर्बिट्रेशन करने के लिए कैपेबल होना चाहिए. आर्बिट्रेशन कैपेबल संधि जोड़ो, आर्बिट्रेबल. It is known as arbitrable. And friends, there is a list of matters which are non-arbitrable. Means, उसके लिए आप arbitration में नहीं जा सकते. तो अगर कोई बात आपके सामने आए जो non-arbitral ना हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? Arbitration में जा सकते हो. अगर मैं एक छोटा सा example दूं तो matrimonial matters, यानी कोई झगड़े हो जाए तो matrimonial matters cannot be taken to arbitration. अगर प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई झगड़े हो तो इट कैन नॉट बी टेकन टू आर्बिट्रेशन. अगर क्रिमिनल मैटर्स हो, मर्डर, रेप, डकैती, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन नॉट टेक फॉर आर्बिट्रेशन. सो देर इज अ स्मॉल लिस्ट, जो आगे जाते हुए हम देखते हैं, देर इज अ स्मॉल लिस्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज नॉन आर्बिट्रेबल. उसके अलावा कुछ भी हो तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो? आर्बिट्रेशन कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन litigation and the arbitration. If this is clear to you, then friends, bear in mind our journey of understanding this concept will be absolutely simplified, getting off of the myth that it is too difficult. Now friends, another few things to clarify before we move to the actual provisions of the act is to have understanding of certain terms. The very first term is arbitral tribunal. मैंने आपको पहले भी कहा कि एक आर्बिट्रार भी हो सकता है और अनेक आर्बिट्रार भी हो सकते हैं, पैनल टीम भी हो सकती है, पर हम उसे कहते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. कितने आर्बिट्रार रखना वो हमेशा दोनों पार्टीज के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया जाता है. दूसरा टर्म आता है आर्बिट्रल अवार्ड. आर्बिट्रल अवार्ड यानी कि जो फाइनल आउटकम आता है वो. एंड दिस आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंट्रिम अवार्ड. कई बार इंट्रिम अवार्ड यानी कि फाइनल अवार्ड आए उसके पहले जो अवार्ड पास किया जाता है उसे कहते हैं इंट्रिम अवार्ड. इट इज इंक्लूडेड इन दैट. एंड तीसरा पॉइंट है पार्टी. पार्टी मीन्स व्हाट? तो पार्टी मीन्स अ पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. यानी जैसे हमारे वो एग्जाम्पल था उसमें जो बॉयज एंड गर्ल्स थे उसे आप कह सकते हो पार्टीज टू आर्बिट्रेशन. प्लस फ्रेंड्स, जो एक टर्म मैं चाहूंगा खास हम फोकस करें इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन में. नॉर्मली क्या होता है, जब बॉयज एंड गर्ल्स इफ बोथ बिलोंग टू इंडिया देन इट्स अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होता है, मैं अगर डोमेस्टिक नहीं बोलता, आपको समझ जाना है कि सर जब खाली आर्बिट्रेशन वर्ड का उपयोग कर रहे हैं इट इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. बट यस, व्हेन एनी वन ऑफ द पार्टी, व्हेन एनी वन ऑफ द पार्टी इज फॉरेन गवर्नमेंट, जब दोनों में से कोई भी एक पार्टी फॉरेन गवर्नमेंट हो तो फिर इट्स अ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन. या फिर दो में से कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई एक एसोसिएशन, देखो एस्ट्रिक क्या हो, वो दूसरे, वो कोई देश का हो और वो देश अदर देन इंडिया हो, मींस फॉरेन का हो, तो फिर जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, दैट इज आईसीए.
So friends, जब दोनों parties में से एक या तो foreign की government हो, या तो foreign का individual हो, या तो foreign का body corporate हो, sorry, या तो foreign का association हो, तो फिर हम उसे कहते हैं international commercial arbitration. And जब कोई arbitration international commercial arbitration ना हो, तो उसे हम कहते हैं domestic arbitration. And that's how this act bifurcates. Now an arbitration proceedings in order to cover international transactions also into domestic and international commercial arbitration. And friends, the last thing before we move to the provisions is, let us have a look at the judicial authorities involved. यहाँ पे जो authorities involved है वो दो है. एक को हम कहेंगे judicial authority and दूसरे को हम कहेंगे appointing authority. Judicial authority पे ध्यान दे तो इनका मुख्य काम होगा, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, their main work will be with respect to arbitration. They will do the supervisory function. They can grant interim measures. अगर arbitral tribunal जो award देता है उसे review करना हो या उसे challenge करना हो, तो फिर हम judicial authority के पास जाते हैं, देखते कौन है judicial authority. एंड अगर arbitrator को appoint करने में कोई problem आता है, तो फिर हम appointing authority को consult करते हैं. Friends, ये कैसे अपना role play करता है? तो जुडिशियल अथॉरिटी की बात करें, जिससे हम हेल्प लेने जा सकते हैं अदर देन अपॉइंटमेंट, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी एंड हाई कोर्ट होगी उनके पास ये मैटर जाएगा, मेनली विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एंड अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा तो दिस मैटर विल गो टू हाई कोर्ट. एंड अगर हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करें, यानी कि दोनों पार्टीज आर्बिट्रर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे, वैसा कोई इश्यू हो, तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होगा तो हाई कोर्ट विल कम इन टू पिक्चर. एंड अगर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट विल कम इन टू पिक्चर. एंड मेनी टाइम्स इट मे हैपन दैट व्हेन वी गो टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, व्हेन वी गो टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दे मे रेफर द मैटर टू एन इंस्टीट्यूशन एंड दैट इंस्टीट्यूशन दैट डेजिग्नेटेड दैट अपॉइंटेड इंस्टीट्यूशन मे अपॉइंट एन आर्बिट्रर. सो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे समक्ष दो प्रकार की अथॉरिटी आ सकती है. एक आ सकती है जुडिशियल अथॉरिटी एंड दूसरी आ सकती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी. जुडिशियल में डोमेस्टिक में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड इंटरनेशनल में सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट्स. एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी में डोमेस्टिक हो तो हाई कोर्ट, एंड अगर इंटरनेशनल हो तो सुप्रीम कोर्ट विल कम इन टू पिक्चर. सो फ्रेंड्स, ये चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर द जर्नी विल बी वेरी 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 simple. And this is where we end up with our first part, that is known as basic concepts. And now we are to move towards the second part, that is arbitration agreement. So friends, whenever now in the future reference, whenever I say judicial authority, so it will help us to solve any kind of critical issues which comes in the process of arbitration. And when I say appointing authority, then it will help us just and just for the purpose of any kind of discrepancy, any kind of problem associated with appointment of an arbitrator. So friends, last in the basic features, or you can say in the basic concepts, is the last answer, that is you can say the basic features in nutshell of arbitration. Then as you very well can see, the very first is arbitration agreement. It's a heart of arbitration. It is must. उसके बिना arbitration possible ही नहीं है. Second is arbitrator. Arbitrator needs to be appointed. Who can be an arbitrator? That is ultimately at the decision making of the parties to arbitration, यानी कि boys and the girls. Third is the seat of arbitration. Friends, ये seat of arbitration क्या कहना चाहता है? Seat of arbitration ये कहना चाहता है कि माना कि arbitration के दरमियान court कुछ नहीं करती, पर कोर्ट हमेशा आर्बिट्रेशन की जो कार्यवाही हो रही है उसके ऊपर एक निगरानी तो रखती है. सो देर इज अ लीगल सिस्टम विच वुड सुपरवाइज द आर्बिट्रेशन प्रोसेस टू एंश्योर दैट आर्बिट्रेशन हैपन्स इन अ वे दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विद. एंड इसी कारण अगर आर्बिट्रेशन करते वक्त बीच में कोई तकलीफ आती है, तो वी ऑलवेज take the reference of judicial authority. Friends,
जुडिशियल अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड टू सम एक्सटेंट हाई कोर्ट, एंड जब इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हो तब हाई कोर्ट. देन फ्रेंड्स फर्दर इज पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजर, यानी कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीजर, आर्बिट्रार कौन बनेगा, कितने आर्बिट्रार रखेंगे, आर्बिट्रेशन कैसे करेंगे, आर्बिट्रेशन कहां करेंगे, ये सब कुछ डिसाइड जो पार्टीज टू आर्बिट्रेशन है वो करते हैं. दैट इज पार्टी ऑटोनॉमी. फाइनलिटी ऑफ द आउटकम, वी सॉ इन ब्रीफ दैट द आउटकम ऑफ आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन इज नोन एज एन अवार्ड, एंड अवार्ड जो है वो फुल एंड फाइनल होगा, यानी almost on a very limited grounds it can be challenged, else it is full and final and it is binding on all. It is not made confidential as the court decisions are made, it is kept confidential. Jo award, jo judgment aate hai, usse hum arbitral award kehte hai. And sabse important, enforcement of award. Ha, award ko enforce karte waqt shayad se court ke help ki zarurat padti hai, and it's very easy to enforce the international awards compared to decisions given by the court. So friends, this is the basic features of, you can say, an arbitration agreement. So friends, after having the thorough understanding of part A, that is पूरे act के अंदर जो use होने वाले जो basic concepts हैं, वो आपने समझे, जिससे एक conceptual clarity आपकी आ जाएगी. Now we are moving towards the second part, that is arbitration agreement. Friends, इस second part को एक अच्छी तरीके से ग्रेस्प करने के लिए हम उसे पांच सब पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसमें से पहला सब पार्ट है प्रोविजन, क्यों आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की आवश्यकता होती है. दूसरा है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के प्रकार कितने हैं. तीसरा, जब भी आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करते हो, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एकदम सही होना चाहिए, बिकॉज आर्बिट्रेशन प्रोसेस की नींव बेस ही क्या है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. अगर वहीं पर प्रॉब्लम आया तो द होल आर्बिट्रेशन प्रोसेस मे बी ना डायलम ना. चौथा, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करते हो. एंड पांचवा, अगर जरूरत पड़े तो कौन कौन से सिचुएशन में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का टर्मिनेशन आ सकता है. इस तरीके से पांच पार्ट्स में हम इस पूरे प्रोसेस को डील करेंगे. तो आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं सबसे पहले पार्ट से, दैट इज प्रोविजन और सिग्निफिकेंस, दैट व्हाई आर्बिट्रेशन इज इंपॉर्टेंट. तो एज फ्रेंड्स यू नो दैट लिटिगेशन इज अ पब्लिक प्रोसेस, इट्स अ पब्लिक मैकेनिज्म, whereas arbitration is a private alternate dispute resolution mechanism. So यहां पे जो heart है, जो crux है, जिसके बिना जैसे human body heart के बिना नहीं चल सकता, वैसे agreement is must, तो ही arbitration can be done. Without agreement arbitration cannot be done. And mainly arbitration agreement में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो भाई कहां arbitration होगा, किस तरीके से हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करेंगे, किस तरीके से हम आर्बिट्रेशन करेंगे, और आर्बिट्रेशन से इंसिडेंटल, एनसीडली, लागती वड़कती, एसोसिएटेड सारी बातें जो है वो आपको आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अंदर स्टार्टिंग में ही लिख देनी होगी. दैट्स हाउ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोर ओवर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के दो मेन तरीके हैं. एक है कि हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करें. हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करें इसका मतलब यह है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट दो तरीके से पॉसिबल है, या तो आर्बिट्रेशन क्लॉज का होना या तो सबमिशन अग्रीमेंट का होना. नाउ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट या आर्बिट्रेशन क्लॉज, व्हाट वी मीन टू से आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो आप एक काम कर सकते हो. आप जैसे फ्रेंड्स देख रहे हो कि प्रिंसिपल अग्रीमेंट जो है उसके अंदर आप आर्बिट्रेशन के पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, या फिर एक सेपरेट अग्रीमेंट बना सकते हो. यू हैव योर ओन चॉइस. फॉर एग्जांपल देयर इज वन जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट, तो उस जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट के 20 पॉइंट थे, आपने आर्बिट्रेशन के रिलेटेड एक क्लॉज उसमें ऐड कर दिया, तो जो मेन अग्रीमेंट है, जो प्रिंसिपल जॉइंट वेंचर का अग्रीमेंट है, वो 20 की जगह 21 क्लॉज का हो गया. सो दैट इज यू एडेड अ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन एन प्रिंसिपल अग्रीमेंट. या फिर ऐसा कर सकते हो, जो हमारा 20 पॉइंट का जो जॉइंट वेंचर का अग्रीमेंट है वो तो है ही, उसके साथ वो आर्बिट्रेशन का एक अलग से सेपरेट अग्रीमेंट बनाया और उसे ऐड कर दिया, तो मेन अग्रीमेंट एंड साथ में सबॉर्डिनेट अग्रीमेंट होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. ऑलमोस्ट दिस इज डन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन अग्रीमेंट,
यानी कि दिस इज डन इन एंटीसिपेशन दैट आने वाले भविष्य में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे. सो दिस इज डन प्रायर टू द डिस्प्यूट. सो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट तो पहले से ही करते हैं, बाद में कभी नहीं कर सकते, तो आप एक गलत मिथ में जी रहे हो. बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में आर्बिट्रेशन करना भूल गए, बाद में आपको डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट हुआ तब आप डिसाइड करते हो कि भाई अब हमें आर्बिट्रेशन में जाना है, तो क्या कोई आपको रोक सकता है? नहीं रोक सकता. तब भी आप अग्रीमेंट कर सकते हो. एंड जब डिस्प्यूट हो तब आप जब अग्रीमेंट करते हो तो इसे कहते हैं सबमिशन अग्रीमेंट. दैट इज नोन एज सबमिशन अग्रीमेंट. सो फ्रेंड्स, एज यू सी ऑन द स्क्रीन, आर्बिट्रेशन क्लॉज मेन अग्रीमेंट करते वक्त किया जाता है, जबकि सबमिशन अग्रीमेंट जरूरत पड़ने पे किया जाता है. अर्थात आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट के पहले जब डिसाइड किया जाए तो आर्बिट्रेशन क्लॉज की तरह होता है, डिस्प्यूट हो तब डिसाइड किया जाता है तो वो सबमिशन अग्रीमेंट की तरह होता है. सो फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के मेन दो प्रकार है, दैट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन अग्रीमेंट. एंड फ्रेंड्स, और इसके साथ जुड़ी हुई एक चीज है, दैट इज विथ रेफरेंस टू एनी इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटरी बॉडी. ये फ्रेंड्स क्या है? एक है कि दोनों पार्टीज अपना आर्बिट्रेशन, कस्टमाइज्ड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करें, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब उनके फील्ड को नियंत्रित करने वाली कोई अथॉरिटी हो, उस अथॉरिटी ने कुछ मॉडल एग्रीमेंट बनाया हो, उसके अंदर आर्बिट्रेशन के नियमों को डाला हुआ, तो शायद से पार्टीज ऐसा भी डिसाइड कर सकती है कि हमारे एसोसिएशन ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो नियम बनाया है उस नियम को हम सैल्यूट करते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, हमारे बीच में जब झगड़ा होगा तो आर्बिट्रेशन में यूज करेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन फर्टिलाइजर परचेजर. ये आईसीए मॉड्यूल के अंदर दिया गया एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, एक फर्टिलाइजर परचेजर है, वो कॉन्ट्रैक्ट देता है फर्टिलाइजर सप्लायर को टू फॉर फर्टिलाइजर, एंड इन दैट he specifies various proportion of chemicals, but he does not specify his own proportion. He says that Fertilizer Association of India jo hai, FAI, uske jo requirements hai, uske mutabit hume goods purchase karne. To jab itna decide kiya, to saath saath ye bhi swabhavik hai ki FAI ke jo arbitration ke points hai, wo bhi unhone by default swikar kar liye. With an open mind, both parties agree to the same. तो भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि आप चाहो तो एक सेपरेट कस्टमाइज्ड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स रख सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो फिर आप एक रेगुलेटरी बॉडी या कोई संस्था जिसके द्वारा ऑलरेडी प्रस्थापित नियम हो उसको भी आप स्वीकार कर सकते हो. सो दिस इज द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. नाउ फ्रेंड्स, as we understood कि arbitration agreement is must and most important thing, that's why while doing an arbitration agreement you should take care of certain things, so at least something by which we try to resolve a dispute itself does not remain disputed. अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस चीज का उपयोग करके आप कोई झगड़े का निवारण लाना चाहते हो, उस चीज के बेस में जो अग्रीमेंट है वो खुद ही डिस्प्यूटेड होगा. तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन प्रोसेस की जो जरूरत है, जो इंपॉर्टेंस है, वो इटसेल्फ डैमेज हो जाएगी. दैट्स व्हाई फ्रेंड्स, यू नीड टू इंश्योर सर्टेन अग्रीमेंट, सर्टेन थिंग्स व्हाइल यू डू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. एंड द वेरी फर्स्ट इज डिफाइन लीगल रिलेशनशिप्स. सो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट तभी पॉसिबल है जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा हो, कोई लीगल रिलेशनशिप के लिए हो, तभी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विल बी पॉसिबल. दूसरा, arbitrability. What is arbitrability? तो arbitration capability. Arbitration, you know, capability means arbitration हो पाए वैसी संभावना. तो arbitration agreement तभी करना चाहिए जब matter, contract arbitrable हो.
तो फ्रेंड्स, क्या ऐसे कुछ मैटर्स है जिनके लिए आर्बिट्रेशन पॉसिबल ना हो? यस, हमने पहले देखा था, एक मैट्रिमोनियल, दूसरा प्रॉपर्टी रिलेटेड, तीसरा मॉर्गेज रिलेटेड, चौथा टेस्टामेंट रिलेटेड, एंड पांचवा क्रिमिनल इश्यूज. ये चीजों को आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते, यानी कि दे आर नॉन आर्बिट्रेबल, यानी कि उनकी आर्बिट्रेबिलिटी ही नहीं है, तो तब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल. देन द थर्ड इज इट शुड बी विथ कनेक्शन टू डिस्प्यूट. यानी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में अगर आप बोलते हो कि क्वालिटी कैसे डिसाइड होगी, सप्लाई कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, डिस्काउंट के टर्म्स क्या होंगे, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन के अंदर सिर्फ वही चीजों को डिफाइन किया जाना चाहिए जो झगड़े के रिलेटेड हो. झगड़े के रिलेटेड ना हो, जो झगड़े को सॉल्व करने में हेल्प करे उसके रिलेटेड. सो आर्बिट्रेशन शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू और इन कनेक्शन टू डिस्प्यूट. Moreover, arbitration agreement shall be in writing because we know that the no oral things have enforceability. Both the parties should have a clarity of consent. There should be consensus ad idem. Toi dono parties use kya karegi? Sign karegi. So dono parties ki jo parties hai to arbitration agreement, wo dono ki sign bhi chahiye. And ant mein, uspe khas karke likha hona chahiye ki ye agreement ke tahat jo arbitration kiya jayega, us arbitration ke ant mein jo award aayega, wo full and final rahega. Arthat uski bind, uski jo appeal, further appealability hai, wo bahut hi limited rahegi. Aisa arbitration agreement mein likha hona chahiye. So friends, these are the 7 points which should be taken care when you are entering into any kind of arbitration agreement. एंड फ्रेंड्स, उस अग्रीमेंट के साथ साथ, उस रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ कुछ 3-4 सिद्धांत है जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए जब आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना रहे हो और आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हो. जो रिक्वायरमेंट्स थी उसका ध्यान आपको रखना चाहिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को बनाते वक्त, जबकि गाइडिंग प्रिंसिपल जो हम देखने जा रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए जब आप उस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हो, बिकॉज झगड़ा जो आपने सोचा था कि होगा वो हो चुका है और अब आप उसका रिजोल्यूशन लाना चाहते हो. सबसे पहले गाइडिंग रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट करते वक्त जो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिए, जो वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए, वो ऑब्वियसली यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी. खास इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, खास इस चीज का ध्यान रखना. दूसरी चीज, कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज ऑन सेम सेंस इज मस्ट. अरे यार, अग्रीमेंट में ही अगर डिस्प्यूट होने लगा तो फिर क्या होगा? Right, so consent is must. Third is ouster of jurisdiction. What we mean to say by this? Ek bar dono parties ne consent, sammati se arbitration agreement kiya, to koi party agar unilaterally, akele agar court mein jana chahti hai, to nahi ja sakte. They can not go. Haan, ek party jaye aur dusri party ready ho, तो फिर इट्स फाइन, बिकॉज तो फिर वो तो क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को रिवोक कर देंगे, तो फिर फाइन. पर अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ है और एक पार्टी कोर्ट में चली जाती है और तो कोर्ट विल नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर बिकॉज बोथ द पार्टीज एंटर्ड इनटू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. एंड द लास्ट टू इज सेवरेबिलिटी फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट कंपिटेंट टू रूल इट्स ज्यूरिसडिक्शन. इसका मतलब क्या? माना कि आपने आर्बिट्रेशन के पॉइंट को प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया हुआ है, एंड अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड हो जाने के बावजूद उसकी वॉइडेबिलिटी को नजरअंदाज करते हुए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अभी भी वैलिड रहेगा. यानी कि आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज को प्रिंसिपल अग्रीमेंट में क्लॉज की तरह ऐड किया हो तो भी कोई बात नहीं है, और आपने उसे अलग अग्रीमेंट की तरह रखा हो तो भी कोई बात नहीं है. आर्बिट्रेशन इज ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम मेन कॉन्ट्रैक्ट, मींस आर्बिट्रेशन हैज अ सेपरेट कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग इट्स इंप्लीमेंटेड इवन दो द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल. एंड फ्रेंड्स, लास्ट जो बात आती है वो है टर्मिनेशन की बात आती है, कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया है वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट भी हो सकता है. कैसे? म्यूचुअल कंसेंट है, जो हमने बात की कि फ्रेंड्स आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट तो किया है,
पर अब दोनों पार्टीज लिटिगेशन में जाना चाहते तो बेहतर पहले आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को दोनों पार्टी सम्मति से क्या करें, वॉइड कर दे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ऐसा हो कि आपने जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट किया था वो एक्सपायर हो चुका है और आप उस मेन कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर रहे, तो स्वाभाविक सी चीज है फ्रेंड्स कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो उसके साथ जुड़ा हुआ था या उसका पार्ट था वो भी रिन्यू नहीं होगा, तो आप कह सकते हो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड। काफी सारी बार बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट किया जाता है, पर एक चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं होता। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट तो पार्टीज के डेथ के बावजूद भी कंटिन्यू रहता है। सो फ्रेंड्स, पांच चीजों को हमने देखा था। एंड में अगर हम देखें तो पांच पार्ट्स में ब्रेकड है ये पूरा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज प्रोविजन। प्रोविजन के अंदर हम क्या ध्यान में लिया था कि ये हार्ट है, ये मस्त है, इसके अंदर क्या होना चाहिए। टाइप्स में दो प्रकार थे, एक था आर्बिट्रेशन क्लॉज, दूसरा आर्बिट्रेशन सबमिशन अग्रीमेंट, तीसरा इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स थे जिसका खास ध्यान रखना चाहिए जब आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को बनाते हो। गाइडिंग प्रिंसिपल्स मेनली आपको हेल्प करती है जब आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़ते हो, एंड कुछ सिचुएशंस में आपके द्वारा किया गया आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हियरबाय वी एंड अप विद द पार्ट बी, दैट इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, विच इज द हार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट पार्ट विच वी सॉ वॉज बेसिक कॉन्सेप्ट, द सेकेंड पार्ट विच वी सॉ वॉज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, दैट इज द पार्ट सी ऑफ द एक्ट, दैट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। द पर्सन जो आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आर्बिट्रार और आर्बिट्रार्स, दैट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये फ्रेंड्स हम पूरे कॉन्सेप्ट को सात अलग अलग पार्ट्स में समझेंगे, जिसमें पहले क्या जरूरत है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, दूसरा कौन बन सकता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फ्रेंड्स, आपको जब भी स्क्रीन के ऊपर AT दिखाई दे तो इट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फिर कितने आर्बिट्रार्स आप रख सकते हो, उनको कैसे अपॉइंट करते हो, उनको अपॉइंट करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारियां होगी, एंड कौन से सिचुएशन में उनको आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से सात अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के प्रोविजंस को समझेंगे, यानी आर्बिट्रार के प्रोविजंस को समझेंगे। फ्रेंड्स, अब आर्बिट्रार या आर्बिट्रार्स या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इनको बहुत ध्यान से अपॉइंट करना होता है, बिकॉज आर्बिट्रेशन का क्रक्स रहता है आर्बिट्रार के ऊपर, बिकॉज अल्टीमेटली द डिसिजिव अथॉरिटी, द जजमेंट पासिंग अथॉरिटी इज आर्बिट्रार। सो खास इसको बराबर से हमें समझना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज इसके प्रोविजन, तो शॉर्ट में ये कहा जाता है कि आर्बिट्रार एक या अनेक हो सकते हैं। देर इज नो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कि इस सिचुएशन में एक होना चाहिए, इस सिचुएशन में अनेक होने चाहिए। दूसरे, आर्बिट्रार डज द फंक्शन ऑफ अ जज। लिटिगेशन में जो एक जज का काम होता है वो यहाँ पे आर्बिट्रार का काम होता है। तीसरा, ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज आर्बिट्रार डिसाइड्स, आर्बिट्रार एडजुडिकेट्स बाय पासिंग एन ऑर्डर, दैट इज नोन एज अवार्ड, एंड दैट्स हाउ द आर्बिट्रार इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोरओवर फ्रेंड्स, आर्बिट्रार को सिलेक्ट करते वक्त कई बार आप कुछ संस्थाएं जो है उनका सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कि फिक्की या ICC जो उसका इंटरनेशनल लेवल है फिक्की का, या फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये भी एक इंटरनेशनल संस्था है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं इंडिया में भी हैं, इन सब का आप असिस्टेंस ले सकते हो जब आप आर्बिट्रेटर के बारे में कुछ डिसाइड करना चाहते हो। मोरओवर फ्रेंड्स, कई बार जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी है, जो हम जानते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भी आप हेल्प ले सकते हो इस सिचुएशन में, एंड पूरे आर्बिट्रार के प्रोसेस को, मीन्स उनके साथ जो अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक के जो सारे अग्रीमेंट्स किए जाते हैं वो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के द्वारा नियंत्रित है। So, ये पांच चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए जब आप आर्बिट्रेशन के बारे में समझ रहे हो। अब अगर हम देखें तो
आर्बिट्रार जो है वो कौन बन सकता है, कौन बनेगा आर्बिट्रार, या कौन बन सकता है आर्बिट्रार, या फिर दोनों पार्टीज मिलजुल के किसे आर्बिट्रार बना सकती है। ये प्रश्न जितना उत्तेजित करने वाला है वैसे ही लॉ कहता है किसी को भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, मींस कोई भी इंसान जो जिसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हो, यानी कि जो मेजर हो, साउंड माइंड का हो एंड लॉ के द्वारा डिबार्ड ना हो, वैसे किसी भी इंसान को आप आर्बिट्रार बना सकते हो। पर खास आपको ध्यान रखना है कि आर्बिट्रार अवेलेबल होना चाहिए, वो एक कमिटमेंट देता है कि वो कुछ पूर्व निर्धारित समय के अंदर आपको जजमेंट देगा, बिकॉज आर्बिट्रेशन डिलेड इज इक्वल टू आर्बिट्रेशन डिनाइड। अगर यहां पे भी बहुत लंबा टाइम लगने लगा तो फिर इसकी और लिटिगेशन में फर्क ही क्या रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। प्लस दोनों पार्टीज मिलजुल के आर्बिट्रार को चूज करते हैं। हाँ, अगर वो कंफ्यूज होते हैं, वो डिसीजन पे नहीं आते, तो वो लोग संस्थाओं का हेल्प ले सकते हैं, वो लोग अपॉइंटिंग अथॉरिटी का भी हेल्प ले सकते हैं। खास करके आपको ध्यान रखना होगा कि जो आर्बिट्रार है वो न्यूट्रल एंड फेयर होना चाहिए। एटलीस्ट वो ऐसा इंसान तो नहीं होना चाहिए कि जो पार्शियलिटी करे। सो अगर जो प्रोसेस है, जो पार्टीज है, उनके साथ अगर वो जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वो एक फेयर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। एंड क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर्बिट्रेशन का जो आउटकम यानी कि अवार्ड है वो पूरा किसकी सोच से बनाए तो वो आर्बिट्रार। तो जितनी अच्छी आर्बिट्रार की क्वालिटी, उतने ही अच्छे आर्बिट्रेशन अवार्ड की क्वालिटी एंड उतना ही अच्छा उसे इंप्लीमेंट यानी कि एनफोर्स करना हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, कितने आर्बिट्रार रखने चाहिए, कितने आर्बिट्रार थे। आप रखना चाहो तो रख सकते हो, पर नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि आप अनइवन नंबर के आर्बिट्रार रखो तो अच्छा, अर्थात 1, 3, 5 वैसे आर्बिट्रार रखो तो अच्छा, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको इवन नहीं रख सकते। अगर आप इवन रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हर बार दोनों लोग सम्मत ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो हाउ मेनी आर्बिट्रार्स टू कीप इज डिसाइडेड बाय बोथ द पार्टीज, बट वन पॉइंट इज अगर वो ज्यादा आर्बिट्रार रखे तो कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बढ़ेगा। पर कई बार अगर ज्यादा आर्बिट्रार रखते हो तो वो अलग अलग दिशाओं से सोच के आपको आर्बिट्रेशन अवार्ड का जजमेंट अच्छा दे सकते हैं। So it's at the both the parties to decide, weighing down the pros and cons of more or less number of arbitrars. They will decide and write in arbitration agreement that वो कितने arbitrars चाहते हैं। So normally वो odd number में होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि वो even number में नहीं हो सकते, because कई बार ऐसा भी होता है कि जब even number में arbitrars हो 2 या 4 तो वो लोग भी कोई भी बात के ऊपर सम्मत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि even में हमेशा problems ही आते हैं, पर अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा मेजॉरिटी से लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, लॉ का सेक्शन 10 ये कहता है द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रार्स प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। पर आप चाहो तो इवन नंबर भी रख सकते हो। फेलिंग द डिटर्मिनेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 The arbitral tribunal shall consist of a sole arbitrar. The Supreme Court held that even number of arbitrars is an acceptable possibility. Among the many reasons put forward, the court observed that it was possible that 2 arbitrars may not disagree. Next friend is how we appoint an arbitrar. So, कैसे अपॉइंट करना ये भी कानून में उतना प्रीडिफाइंड नहीं है। दोनों पार्टीज जैसे चाहे वैसे अपॉइंट कर सकते हैं। लाइटर टोन में कहे तो दे कैन इवन फ्लिप अ कॉइन, दे कैन टॉस अ कॉइन एंड दे कैन डिसाइड, दे कैन इवन टेक आउट अ चिट ड्रॉल ऑफ लॉट से भी डिसाइड कर सकते हैं। पर मुख्यत्व 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे आप आर्बिट्रार को अपॉइंट कर सकते हो। 1, जो आर्बिट्रेशन की जो पार्टीज है वो ही डिसाइड करें। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हो कि यू कैन रेफर टू एन इंस्टीट्यूशन। तीसरा, यू कैन रेफर टू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का मतलब यहां पे होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इन तीनों तरीके से आप आर्बिट्रार को अपॉइंट करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली मेथड को, दैट इज कि कैसे पार्टीज अपॉइंट करते हैं।